है एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वन अगेन बच्चो माई नेम इज आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे कॉडराइटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं फॉर एस एस सी क्लास टेंथ पिछले कई सेशन से बच्चों कॉर्डराटिक इक्वेशन में हमने काफी काफी सारे चीजें सीख लिए अब तक तो एंड उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो हम लोग पिछले दो सेशन से पढ़ रहे हैं एंड दैट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ कॉडराटिक इक्वेशन आपको सबको पता है बच्चों की कॉडराटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल तीन मेथड्स थे जिसमें सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड तीसरा है फॉर्मूला मेथड इसमें से हम लोग ने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कंप्लीट कर लिया है देख लिया है फैक्टर एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो सबसे पहला जाकर वो देख ले उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा यहां पे आई आए करके आएगा उसमें देख लेना ओके okay बच्चों एक इजी मेथड है बट बहुत इफेक्टिव है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों की शिकायतें होती है कि उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट आप लोग जितना चाहे उतना देख सकते हो उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना टोटल टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ छे क्वेश्चन मिलेंगे आज का जो मेथड है बच्चों वो है

है ना बच्चों चलो इतना तो सबको आता है अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका इज इक्वल टू जीरो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें से ए बी एंड सी को एक्सट्रैक्ट करना भी आपको आता होगा बच्चा फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि ए बी सी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है अलॉन्ग विद द साइन है ना बच्चों चलो अगर आपको ये सारे चीजें आती है ना तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है एंड वो फॉर्मूला भी काफी इजी है बच्चों बट बहुत इंपॉर्टेंट है द फॉर्मूला से हमें वैल्यू निकालना है एक्स मतलब सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू बच्चा माइनस बी प्लस और माइनस प्लस और माइनस का पता है बच्चा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सीखा हमने प्लस भी आता है माइनस भी आता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी The whole upon to it. मानता बच्चों स्टार्टिंग में अगर आप लोग पहली बार अगर ये देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा फॉर्मूला बड़ा लगेगा बट बिलीव मी गाइज जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे आगे आगे ये फॉर्मूला सबसे ईजी फॉर्मूला में से एक रहेगा बच्चोंक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए एंड दैट्स द फॉर्म्यूला दैट वी आर गोइंग टू यूज ये फॉर्मूला मेथड सबसे ईजीएस्ट क्यों बोला जाता है मालूम है बिकॉज इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं आपके सामने फॉर्म्यूला है तो फॉर्म्यूला में देख सकते हो बच्चों सारे के सारे जो एलिमेंट है, वो ABC से बना हुआ माइनस बी प्लस और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए तो अगर आपको ए बी सी वैल्यू निकालने को आया एक्सट्रैक्ट करने को आया तो ऑल हैव टू डू इज यहां पे सब्स्टिट्यूट करना एंड आपको यहां पे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा सो so, बहुत ही सिंपल एट लॉजिकल टॉपिक है बच्चा स्टार्ट करते हैं बच्चों बट हम लोग ना फॉर्मुला मेथड डायरेक्टली नहीं करेंगे थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों जो हम लोग ने पिछली बार किया था तो यहां पे ना प्रैक्टिस से 2.4 का क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर वन कि यहां पे ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसको पहले आप कंपेयर करोगे टू द जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म मतलब ही स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो एंड आप लोग यहां पे एबीसी का वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा बच्चों स्टेडियम में खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप होता है ना बच्चा यहाँ पे तो खेलने से पहले एक वार्म करेंगे पहले एबीसी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहां पे ना बच्चा इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर वन है एक्सक्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सिंपल है बच्चा आपका एक्सक्वायर माइनस सेवन एस प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे विदैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बच्चा जरा कंपेयर करो आपका फर्स्ट टर्म एक्सक्वायर वाला टर्म ए का वैल्यू आपको दे देगा वहां पर कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है बच्चा वन होता है तो ए का वैल्यू वन मिल जाएगा वेरी सिंपल बी का वैल्यू बच्चों मैंने क्या बोला था जब भी आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ वैल्यूज नहीं तो उसका साइन भी आना चाहिए तो बी का वैल्यू यहाँ पे सेवन नहीं होगा बी का वैल्यू होगा माइनस सेवन एब्सोल्यूटली एंड सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों यहाँ पे सी का वैल्यू फाइव होगा बहुत ही ईजी टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको जल्दी में उड़ा लिया आप लोग को तो समझा आराम से होगा पहले से राइट right ना गाइज चलो क्यों ना एक और क्वेश्चन लिया जाए इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रैक्टिस है टू का क्वेश्चन नंबर वन सेम टू सेम बट सब क्वेश्चन टू है टू एम स्क्र इज इक्वल टू फाइव एम माइनस फाइव तो कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं वो लोग जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो एंड आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी है उसको सारे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो मतलब क्या टू एम स्क्वायर वैसे रहेगा फाइव एम उधर जाएगा तो माइनस फाइव एम हो जाएगा एंड माइनस फाइव उधर जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा सिंपल है राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ ठेंगा जीरो इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स ओके ग्रेट अगर मैं यहां पे कंपेयर करता हूं विथ माय स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों यहां पे जरा ध्यान से देखो मैंने यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा है कुछ बच्चे यहां पे कंप्लेंट करने से पहले ही मैं बोल देता हूं अगर आपको यहां पे बोल रहे हो सर ऊपर तो एम वेरिएबल है नीचे एक्स क्यू लिखा आप चाहो तो यहां पे एम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड ही रख दिया इसलिए वैसे ही लिखा आप चाहो तो वेरिएबल्स बदल सकते हैं इट्स कंप्लीटली योर चॉइस ग्रेट अच्छा यहां पे ना बच्चों अगर मैंने आपको ए का वैल्यू पूछा तो क्या रहेगा बता दिया आप लोगों ने ग्रेट वर्क गाइस ए का वैल्यू यहां पे है टू बी का वैल्यू यहां पे क्या रहेगा बच्चा अलोंग विद द साइन क्या रहेगा बच्चों एब्सोल्युटली बी का वैल्यू यहां पे रहेगा माइनस फाइव एंड सी का वैल्यू यहां पे रहेगा बच्चा प्लस इट एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा वार्म अप भी हो रहा है हमारे यहां पे राइट चलो एक और क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस है टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर वन का इस बार सब क्वेश्चन थ्री वाई स्क्र इज इक्वल टू सेवन वाई हाँ बच्चों ध्यान से देखना यहां यहाँ पे वाई स्क्र इज इक्वल टू सेवन वाई देख रखा है तो जरा सा सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है ही एंड बहुत सारे चीजें करनी है यहां पहले आप लोग क्या करोगे Obviously, वो 7Y जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे अब उससे क्या होगा टू जीरो बट बच्चो अगर मैंने वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो लिखा तो मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स बचेंगे बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा तीन टर्म होने चाहिए रहते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो में मेरा वाई स्क्वायर जो कि फर्स्ट टर्म है हो चुका है माइनस सेवन वाई है वो भी मेरा सेकंड टर्म हो चुका है थर्ड टर्म यहां पे मिसिंग है लीनियर में भी आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा बट आप लोग ने पिछले साल में ज्यादातर पढ़ा है बच्चों कि जहां जहां जो चीज गायब होता है ना बच्चा वहां पे हम रिप्लेस करते हैं उसको जीरो से याद है बच्चा स्टैंडर्ड बनाने के लिए तो वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में तीन टर्म्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्लियर है अब इसको कंपेयर करो बच्चों विद द स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा यहां पे कुछ भी नहीं है मतलब वन होगा बी का वैल्यू अलोंग अलोंग विद द साइन वैल्यूंगी टू माइनस एंड हो जाएगा एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं येट क्रूशियल वन आपको ये सारे चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चे फॉर्मुला मेथड तो डायरेक्टली करते हैं सोचकर कि ये क्या ये तो कोई भी कर लेगा यही सबसे बड़ी गलती है इन्होंने यहां पे ये सारे क्वेश्चन पहले दिए है आपको टेक्स्ट बुक में उसका कोई

आपको डिफिकल्टी भी ना फेस हो जाए ओके okay? ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन तीन मार्क्स के लिए आने वाले हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू यूजिंग दी फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला मतलब फॉर्मूला है, है बच्चा चलो बच गए जान छुट्टी क्यों क्योंकि इक्वेशन जो दिया है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है टेंशन नहीं शिफ्टिंग करने का चलो सॉल्यूशन है एक्सक्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो बच्चो आप लोग अगर फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ए बी सी का वैल्यू चाहिए होगा तो इसलिए हमने अभी जो किया वही हम लोग यहाँ पे दोहराएंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का बी का और सी का वैल्यू रेस्पेक्टिवली मिल जाएगा जरा चेक करने ए का वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं है मतलब वन है बी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा एंड सी का वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव में है, तो इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड ये तो हमने अभी भी किया था चलो अभी क्या करना है ए का वैल्यू मिला बी का वैल्यू मिला सी का वैल्यू मिला चलो फॉर्मूला में डाल देते हैं बराबर ना नो no, बच्चों देखो चाहो तो आप इसको फॉर्म्यूला में डाल सकते थे बट मैं यहां पे आपको बताऊंगा दो वैलिड रीजन दो वैलिड रीजन मतलब एक वैलिड रीजन में अभी बताऊंगा दूसरा वैलिड रीजन में अभी नहीं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हम डायरेक्टली फॉर्म्यूला मेथड में फॉर्म्यूला में वैल्यू क्यों नहीं डालते ओके okay? सबसे पहले बताता हूं बच्चों यहां पे ना हम फॉर्मूला मेथड में हम डायरेक्टली फमुला यूज नहीं करेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए दैट इट एंड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड नहीं मतलब फोर ए दिख रहा है ना बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के सेशन में भी आने वाला है इसको इसको एक एक स्पेसिफिक नेम है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट करके हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कभी ना कभी तो बी स्क्र माइनस फोर ए आप पहला निकालोगे अच्छा बी स्क्वायर इसका मतलब होता है बच्चा बी का स्क्वायर बी तो सिक्स है तो सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी तो फोर ए सी मतलब फोर इंटू वन इंटू फाइव ए का वैल्यू वन है सी का वैल्यू फाइव है डाल दिया सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स फोर इंटू वन फोर फोर फाइवर ट्वेंटी तो यहां पे मिलेगा ट्वेंटी बच्चों थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी करो आपको मिलेगा सोलह सिक्सटीन सिंपल है बच्चा चलो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू मिला अभी मैं क्या करूंगा मालूम है अब मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करूंगा अब फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला बड़ा लग रहा है इसमें क्या 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 शिफ्टिंग क्या 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 सिंप्लीफिकेशन क्या क्या सब्सटीट्यूशन बहुत सारा बट यहां पे देखो बच्चों चुटकी भर में हो जाएगा देखो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी बच्चो बी का वैल्यू सिक्स था वहाँ पे देख लेना तो b का वैल्यू अगर सिक्स है तो माइनस b मतलब क्या हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लस और माइनस अब जरा ध्यान से देखो बच्चों वो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको दिख रहा है आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि आपने पहले ही बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू निकाल के रखा है वो है सिक्सटीन इसलिए अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन डायरेक्टली आ जाएगा क्या आपको पहला वैलिड रीजन पता चला बच्चों की क्यों हम लोग बी स्क्र माइनस फोर एसी का वैल्यू पहले निकालेंगे ताकि आपको बाद में वहां पर सब्सटीड्यूट करते वक्त रूट के अंदर कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स ना हो आई होप बच्चों आपको सबसे पहला वैलिड रीजन पता चल गया नेक्स्ट वैलिड रीजन कभी ना कभी तो सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तभी मैं बता दूंगा कि क्यों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहला निकाला जाता है ओके okay, चिल तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू इंटू ए बच्चा टू इंटू ए का वैल्यू वन है मुझे 16 का आता है करने को तो मैंने कर दिया 16 का 4 होता है, तो मैंने पे 4 लिख लिया डिवाइडेड बाय टू इंटू वन होता है बच्चा टू ओके okay, इसके बाद में क्या करना है बच्चों अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको पता करना है इसके बाद इसके क्या करना होता है तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देख सकते हैं पहले अगर जिसने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑलरेडी देखा है तो उसको पता है यहां पे क्या करना है यहां पे प्लस और माइनस का दो साइन दिख रहा है बच्चों आप लोग को मतलब ये दो फ्रैक्शन अभी स्प्लिट होने वाले हैं मतलब एक्स इज इक्वल टू बच्चा आइदर माइनस सिक्स प्लस फोर अपॉन टू और इट विल बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर अपॉन टू एज सिंपल एज दैट है ना बच्चा कितना इजी था ना कूल एंड टू अंडरस्टैंड प्लस और माइनस है तो पहला प्लस आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू बच्चा माइनस सिक्स प्लस फोर कितना होता है बच्चों माइनस टू होता है ना बच्चों यहाँ पे माइनस टू टू आ जाएगा वेरी सिंपल अंडरस्टैंड और अगर बच्चों एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर कितना होता है बच्चों माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन होता है तो यहाँ पे माइनस टेन अपॉइंट टू आ जाएगा वेरी सिंपल अच्छा एक्स इज इक्वल टू बच्चो माइनस टू अपॉइंट टू होता है माइनस वन या फिर x का वैल्यू माइनस टेन अपॉइंट टू पूछा बच्चा एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉइंट टू होता है 5. Is that clear? आपको x के दोनों भी वैल्यू मिल चुके हैं यू कैन फाइनली राइट द आंसर बच्चों माइनस वन एंड माइनस फाइव आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट फॉर थ्री मार्क्स हाँ मानता हूं बच्चों ये फैक्टराइजेशन मेथड से अभी भी लेंग है बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उतना ही लेंगदी है बट ये इजी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एंड फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे तो आपको दिमाग को आप घर में छोड़कर भी आओगे तो भी आपको मिल जाएगा इट्स एज सिंपल अस्था तो मतलब बेसिकली अब तक का रिकॉर्ड है कि हर बच्चे को फॉर्मूला मेथड सबसे ज्यादा पसंद आया है ऑब्वियस है क्योंकि फार्मूला में आपको सिर्फ ए बी सी के वैल्यूज भी तो डालने होते हैं एंड इसके कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं होते बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स बच्चा सिर्फ फार्मूला मेथड करके ना जाए बाकी के मेथड्स भी मैंशन करेंगे तो वो भी आ सकते हैं तो प्लीज करके जाना स्पेशली फैक्टराइजेशन ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आज हम लोग टोटल ऑफ सात क्वेश्चन करने वाले हैं तो प्रैक्टिस है, है, है. है तो हम लोग इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं अगर कंपेयर करेंगे तो बच्चों एबीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा आप खुद ढूंढ लेना कितना है बच्चा ए का वैल्यू है माइनस थ्री c का वैल्यू है माइनस टू अगर किसी बच्चे ने यहां पे साइन में गड़बड़ किया तो उसका लाख करो आंसर मिलने वाला है नहीं सबसे बड़ी गलती अच्छा जैसे ही मुझे एबीसी का वैल्यू मिल गया मैं इसके बाद में क्या करूंगा फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा नहीं मैं इसके बाद में क्या करने वाला हूं बच्चों इसको मैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी में पहला सब्सटीट्यूट करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी वैल्यू निकालते बच्चों बी का स्क्वायर बी यहां पे माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी तो फोर इंटू वन इंटू माइनस टू साइन के साथ माइनस थ्री का स्क्वायर होता है बच्चा पॉजिटिव नाइन अगर आप लोग देखोगे बच्चा बाहर भी एक माइनस है एंड ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस है अगर एक साथ लाते हो तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड फोर वन जार फोर फोर टू जार एट तो यहां पे प्लस एट मिलेगा सिंपल बच्चा साइन देखा दोनों साइड माइनस माइनस थे माइनस एंड माइनस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव राइट ना नाइन प्लस एट बनता है बच्चा आंसर इसको वैसे के वैसे के ही रख देना अच्छा अब सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो जाऊंगा आप लोग ध्यान से सुनना दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डे आप इसी मेथड में यहां पे लिखो This mistake I am not going to do in my exam and I am going to do this right now. Practice this as much as possible right now. आप प्लीज इसको ऐसा नजरअंदाज मत करना में जो बोलने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या एक्स इज इक्वल टू बच्चो माइनस बी अब बच्चो आप लोग देख सकते हो बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी माइनस थ्री दिया एंड अब बी का यहां पे अगर माइनस बी में अगर आपने माइनस थ्री डाला ना आप गलत जा रहे हो क्यों क्योंकि बच्चे बी का वैल्यू माइनस थ्री है तो माइनस बी का वैल्यू माइनस थ्री कैसे रहेगा है ना बच्चा शॉर्टकट मत यूज़ करना। बी का वैल्यू माइनस थ्री है तो माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस थ्री इज दैट क्लियर टू एवरी माइनस बी है ना माइनस तो ऑलरेडी था उसके पास एंड बी का वैल्यू माइनस थ्री है तो माइनस ऑफ माइनस थ्री आ जाएगा समझा बच्चा

रूट के अंदर का जो नंबर था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए आपको रूट √16 का वैल्यू 4 मिला यहाँ पे आपको रूट √17 का वैल्यू नहीं मिलेगा तो उसको आप वैसे ही रखोगे इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा पक्का डिवाइडेड बाय 2 1 दैट इज 2 अच्छा अभी क्या करना है कुछ भी नहीं कर सकते स्प्लिट करना स्टार्ट करो बच्चों बंटवारा हो जाएगा x 3 √17 2 या फिर x इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट सेवनटीन ओवर टू खत्म इसके आगे कुछ नहीं कर सकते उल्टा ये क्वेश्चन तो उल्टा ज्यादा इजी था जब हम लोग रूट ही नहीं निकाल सकते तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया तो थ्री प्लस रूट सेवनटीन अपॉइंट टू एंड थ्री माइनस रूट सेवनटीन अपॉइंट टू आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट दैट इनसाइड द ब्यूटीफुल बॉक्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट कितना इजी ना पहला क्वेश्चन समझा दूसरा क्वेश्चन तो उड़ गया हवे में तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं चलो अब थोड़ा तीसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है लेट्स हैव लुक चलो प्रैक्टिस है टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन का सब क्वेश्चन थ्री है वह थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो एक तो बात है जान बच गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बट एक सबसे बड़ी गलती होने वाली है यहां पे भी गलतियां आपका मैं पिन पॉइंट तब तक करूंगा जब तक आप वो गलती से सीखोगे नहीं यहां पे बच्चा थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो को मैं अपने नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो मुझे यहां पर ए बी सी के वैल्यू मिल जाएंगे ए का वैल्यू कितना है बच्चा यहां पर ए का वैल्यू है थ्री बी का वैल्यू है टू एंड सी का वैल्यू है माइनस सेवन एबसोल्यूटली बच्चों सिंपल अब हम लोग डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में नहीं डालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस फोर एसी में सबस्टिट्यूट करेंगे बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब फोर इंटू थ्री इंटू माइनस सेवन टू का स्क्वायर होता है फोर बच्चों वहां पे बाहर एक माइनस साइन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस साइन दिख रहा है टू बिकम अ पॉजिटिव बच्चा एटी एट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड चलो एटी मिल गया बाजू में रखते हैं अब सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पे आपकी होने वाली है बच्चों वो मेथड क्या क्या मिस्टेक होने वाला सर इसके बाद में तो फॉर्मूला है फॉर्मुला डाल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्वयर माइनस फोर ए सी ओवर टू है बराबर ना सर रॉक बच्चो यहां पे आप यहां पे एक्स निकाल रहे हो क्या जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चा क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या गलती की इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल की बात हो रही है एम की बात हो रही है तो आप एक्स कैसे निकाल सकते हो ये तो ऐसा हो गया जैसा कुछ निकालने बोला है कुछ और आप कुछ और निकाल के आ रहे हो यहां पे ना बच्चा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होने वाला है द फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू माइनस बी फॉर्मूला तो वही है सिर्फ आपको इतना बोलना है कि इस बार आप एक्स के जगह पे एम निकाल रहे ये गलती दोहराना मत बच्चा यहां पर एक्स मत लिख के आना डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा क्लियर है गाइस अच्छा चलो अभी वैल्यू को सब्सटीब्यूट करते हैं तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा माइनस बी अब माइनस भी क्या है बच्चा यहाँ पे माइनस भी मतलब माइनस टू है ना बी का वैल्यू टू है अभी तो माइनस टू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टू मत लिखना प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू कितना मिला बच्चा एटी एट तो अंडर रूट ऑफ एटी एट हो जाएगा

चलो वो भी याद रहेगा आपको अच्छा आपको उसमें सर्ड्स में एक सिंपलीफिकेशन ऑफ अ सर्ड करके एक टॉपिक था याद है बच्चों जहां पे एक सर्ड बड़ा सा दिया रहेगा तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका जोड़ी वाले नंबर को बाहर निकाल के उसको सिंप्लीफाई करते थे कुछ याद आ रहा है बच्चा तो यहां पे ना आपको रूट के अंदर एटी दिख रहा है जो कि एक सर्ड है बच्चो यहाँ पे तो इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना तो बिना सिंप्लीफाई किए मत आना, तो आप कर सकते या फिर बच्चों अगर आप लोग मेच्योर बन चुके हैं थोड़े से इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपने काफी प्रैक्टिस किया है तो आपको डायरेक्टली भी लिखने को आ सकता है कि रूट एटी एट कुडर्न एज फोर मल्टीप्लाइडी टू बच्चों अगर आपके मन में एक सवाल उठता होगा सर फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू ही क्यों ऐसा क्यू की फोर मल्टीप्लाइडी टू अपना 8 11 भी तो आ सकता था उसके बाद में टू मल्टीप्लाइडी फोर भी तो आ सकता था इसलिए मैंने बोला बच्चा अगर आप लोग थोड़े मेच्योर बन चुके हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आपको पता चलेगा कि फोर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी टू मैंने क्यों लिया बिकॉज इसमें कोई एक ऐसा नंबर जरूर है फोर जिसका मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूं है ना गाइज समझा होगा आप लोगों को अगर नहीं समझा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना अच्छा डिवाइडेड बाय टू थ्री दर सिक्स होता है बच्चों एम इज इक्वल टू माइनस टू प्लस और माइनस यहां पे मैं फोर का स्क्वायर रूट ले सकता हूं तो वो बाहर निकलेगा ट्वेंटी टू का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता वो वैसे ही रहेगा तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा होता है टू तो यहां पर बनेगा टू रूट क्लियर था बच्चा इसीलिए नाइन्थ स्टैंडर्ड का बेसिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिवाइडेड बाय सिक्स चलो गलती नंबर अब मैं तो काउंट ही भूल गया बच्चा इसमें गलती क्या है बट आप लोग एक गलती करते हो बच्चों वो गलती है बच्चों टू और सिक्स को कैंसिल करने का तो ऐसे बच्चों टू और सिक्स ऐसे कैंसिल नहीं होता बच्चा ऐसा कैसा होगा भाई है कि नहीं बच्चा बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो गलती तो यहाँ पे आपकी होने वाली है ये गलती मत दोहराना सबसे पहले इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं बच्चा एम इज इक्वल टू माइनस टू प्लस

आपको टू कॉमन दिख रहा है बच्चा दोनों के पास यस वेरी गुड बच्चा एम इज इक्वल टू मैंने टू को कॉमन लिया बच्चा जब टू को कॉमन लूंगा ना तो माइनस टू का अगर मैंने टू ले लिया ना तो उसके पास बचेगा माइनस वन क्योंकि टू इंटू माइनस वन बनता है माइनस टू प्लस 22 में से मैंने अगर 2 को कॉमन ले ले तो उसके पास पास अकेले के पास बचेगा सिर्फ 22 6. ये सेम साइन का फर्क है राइट right ना गाइस अच्छा अभी क्या मैं वो ऊपर का टू और नीचे का वो जो सिक्स है उसको कैंसिल कर सकता हूं बेशक बच्चों टू वन हजार टू थ्री हजार तो यहां पे बचेगा क्या बच्चों माइनस वन प्लस रूट ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय 3 बचेगा बिकॉज टू और सिक्स कैंसिल और एम इज इक्वल एज दैट ये क्वेश्चन आपने पहली बार सीखा है इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट सर आपने तो सिंपल बता दिया कैसे बट डोंट वरी एक और क्वेश्चन लेते बच्चा ऐसा सेम टू सेम

सिंपल है सबसे पहले फॉर्मूला नहीं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर बच्चा बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब फोर इंटू फाइव इंटू माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर होता है प्लस सिक्सटीन माइनस ऑफ माइनस दिख रहा है बच्चा दोनों साइड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू जर फोर्टी तो यहां पे फोर्टी हो जाएगा सिक्सटीन और फोर्टी का एडिशन मिलता है फिफ्टी सिक्स कीप इट एज इट इज बाद में के लिए काम आ जाएगा अब बच्चों मैंने गलती आपको लास्ट टाइम बताई थी वो गलती यहां पे मत दोहराना कौन सी गलती थी बच्चों आपको याद होगा यस yes, बच्चा m हम लोग को लिखना है x नहीं m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू है ओके अब m का वैल्यू यहाँ पे निकालते वक्त बच्चों ये मैंने गलती आपको फिर से बताया था फिर से आप लोग ध्यान देना यहाँ पे माइनस बी लिखा है आपका b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस फोर है तो प्लीज यहां पे माइनस फोर मत लिख के आना माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस फोर राइट ना गाइस प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अच्छा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू तो फिफ्टी सिक्स है तो अंडर रूट ऑफ फिफ्टी सिक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू इंटू ए मतलब टू इंटू फाइव बिकॉज ए का वैल्यू फाइव है अच्छा अब आगे क्या करेंगे बच्चा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर मिलेगा प्लस और माइनस मिलेगा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है फिफ्टी सिक्स का भी अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप कर सकते हैं बच्चा आपकी मर्जी है बट इतना मुझे तो पता है बच्चा मैं तो इतना मेच्योर हो चुका हूं आप लोग भी हुए रहेंगे बच्चा कि फिफ्टी सिक्स कुड बी रिटर्न एज फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन फोर फिफ्टी सिक्स क्यों मैंने फोर्टीन फोर ही लिया सर आपने ट्वेंटी लिया ट्वेंटी लेकर मैं क्या करता ट्वेंटी एट का स्क्वायर रूट है आपके पास नहीं टू का स्क्वायर रूट है आपके पास नहीं है ना फोर्टीन फोर हजार को मैंने क्यों लिया बिकॉज फोर का स्क्वायर रूट है फोर्टीन का नहीं है तो हो जा रहा है ना तो यहाँ पे सेम टू सेम टू फाइव हजार टेन है ओके okay, इसके बाद बच्चा एम का वैल्यू क्या रहेगा इट विल बी फोर प्लस और माइनस फोर्टीन इंटू फोर में फोर का स्क्वायर रूट है तो उसको बाहर निकालोगे तो टू बन जाएगा तो टू रूट फोर्टीन बनेगा डिवाइडेड बाई टेन इसको स्प्लिट करो बच्चों दो पार्ट में m इज इक्वल टू फोर प्लस टू रूट फोरटीन डिवाइडेड बाय टेन या फिर बच्चों फोर माइनस टू रूट फोर्टीन डिवाइडेड बाई टेन दिख रहा है बच्चा पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था बट वो ज्यादा टाइम लगा समझने के लिए ये शायद से मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया है ना बच्चा चलो इसके बाद में क्या करना है बच्चा फोर और टेन को कैंसिल करने का ना बिल्कुल नहीं बच्चों ऐसा नहीं कर सकते आप लोग को कॉमन लेना पड़ेगा बच्चे ऊपर आपको क्या लगता है बच्चा आपको क्या कॉमन दिख रहा है फोर टू रूट फोर्टीन कॉमन दिख रहा है यस yes, दोनों में टू का कॉमन है बच्चा फोर में से अगर टू गया तो क्या हो जाएगा उसके पास बचेगा टू क्योंकि टू टू जर फोर होता है एंड टू रूट फोर्टीन में से टू गया तो क्या बचेगा सिर्फ रूट फोर्टीन तो प्लस रूट फोर्टीन बचेगा डिवाइडेड बाय टेन वैसे सेम टू सेम राइट में करना सिर्फ साइन को चेंज करना टू को कॉमन लेकर टू माइनस रूट फोर्टीन डिवाइडेड बाई टेन कर लेना इसके बाद में आपका जो टू और टेन है वो कैंसिल हो सकता है टू वन जार टू फाइव इक्वल टू बचेगा क्या बचा ऊपर का टू गायब हो गया प्लस रूट फोर्टीन बचेगा डिवाइडेड तो टू फाइव आ जाएगा या फिर बच्चों का value हो जाएगा 2 minus root 14 divided by 5. Simple answer बच्चा तो आपका फाइनल सोल्यूशन क्या रहेगा टू प्लस रूट फोर्टीन अपॉइंट फाइव एंड टू माइनस रूट फोर्टीन अपॉइन फाइव आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट क्या है बच्चों ये कुछ भी तो था क्या सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इसके अलावा इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है एक और क्वेश्चन लिया जाए बच्चा क्वेश्चन नंबर फाइव है वो है अब कुछ तो अलग आ गया ना तब सेम टू सेम करके पक चुके अब थोड़ा कुछ नया मिल रहा है बच्चो वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट थ्री वाईक्वल टू टू मैंने सिखाया हुआ हर चीज अगर आपको याद है तो आप लोग मुझे बताओगे यहां पे सबसे पहले आप लोग किस चीज को भगाने की कोशिश करोगे चल निकल करके किसको बोलोगे बच्चों यहाँ पे यस द डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर बहुत ही दिमाग खराब करता है बच्चा यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा थ्री है हम थ्री को हटाएंगे थ्री को कैसे हटाया जाता है बच्चा

एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए हमारा इक्वेशन कैसा होना जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है वेरी गुड बच्चा थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई सिक्स उधर जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब हम जाके तैयार है फॉर्मूला मेथड के लिए बट आई डोंट थिंक बच्चा आप लोग को इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा भी होगा कुछ भी राइट right? भले ही उनको लगा होगा कि बोर्ड्स वालों के लिए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया बच्चे तो एकदम कावरा बावरा हो जाएंगे कुछ भी नहीं ये तो क्या है हलवाई स्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो को कंपेयर करो बच्चों तो ए का वैल्यू हो जाएगा थ्री बी का वैल्यू हो जाएगा वन कुछ भी नहीं है मतलब वन बी का वैल्यू वाई मत लिखना बच्चा वन सी का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस सिक्स अच्छा ए बी सी का वैल्यू मिल गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बच्चा वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए इंटू सी मतलब फोर इंटू थ्री इंटू माइनस सिक्स साइंस प्लीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओके प्लीज गलती मत करना वन का स्क्वायर होता है बच्चा वन माइनस माइनस ऑफ प्लस होता है बच्चा फोर थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व सेवेंटी टू तो प्लस सेवेंटी टू मिलेगा सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों वन प्लस सेवेंटी टू कितना होता है सेवेंटी थ्री होता है देखो मैंने वो बॉटम में वहां पे लिखा है आई होप आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू आपको सेवेंटी थ्री मिला इसके बाद क्या करना है फॉर्मूला में डालना है यहां पे ना x है ना m है आपका y है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्स फोर ए सी ओवर टू का वैल्यू है प्लस और माइनस वहां पे ब्रैकेट नहीं डालते तो भी चल जाता माइनस वन में माइनस वन लिखा तो भी चलेगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर आपका बी स्क्र माइनस फोर एसी सेवेंटी थ्री है तो रूट सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई टू इन ए मतलब टू थ्री right राइट ना गाइस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन उल्टा ज्यादा मजेदार होता है क्यू बच्चों क्यू देखो वाईल टू माइनस वन तो है प्लस और माइनस तो है यहाँ पे root 73, 73 का कुछ कर कर ही नहीं नहीं सकते Simplify नहीं कर सकते उसको कुछ नहीं कर सकते जान बच जाती है वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा दिमाग खराब करता है इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया बच्चा मैंने इसको स्प्लिट आउट ही कर दिया डायरेक्टली माइनस वन प्लस रूट सेवेंटी थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा या फिर y इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट सेवेंटी थ्री अपॉन सिक्स हो जाएगा कुछ नहीं कर सकते आप इसका ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों गाइस प्रैक्टिस है टू पॉइंट फोर के हमने पांच क्वेश्चन खत्म भी कर लिया वो भी सब क्वेश्चन टू का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर वन के भी तीन क्वेश्चन खत्म कर दिए यहां पे पांच कितना इजी हो रहा है ना बच्चा अभी दो ही क्वेश्चन बाकी है चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा प्रैक्टिस है टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर टू का सब क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइव एक्सक्स थर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो इनफैक्ट तो मुझे तो लगता है बच्चा आप लोग को अभी ना ये वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व करना चाहिए बिकॉज मुझे लगता है बच्चा ये क्वेश्चन में ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ऐसा नहीं दिया है सारी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इनफैक्ट एक्स भी है यहाँ पे, उधर भी उसको कंफ्यूजन नहीं किया कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन ईजी है आप लोग तो आराम से कर सकते हैं राइट ना गाइस वीडियो को पॉज करना सॉल्व करना फिर चेक करना राइट ओके बच्चों यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग ए का वैल्यू हो जाएगा फाइव बी का वैल्यू हो जाएगा थर्टीन सी का वैल्यू हो जाएगा एट मैं थोड़ा फास्ट में हुआ तो थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ा रहा हूँ बच्चों बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ये अभी समझाउगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू निकालेंगे बच्चा बी स्क्वायर मतलब थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 169 मिला आपको भी 4 इंटू फाइव होता है 20, 20 तो मल्टीप्लाइड होता है बच्चा सिर्फ एक सिंगल डिजिट नाइन वेरी इजी आपको बी स्क्वायर माइनस फोर एसी मिल चुका है इसके बाद में आप निकालोगे बच्चा फॉर्मूला में एक्स को डालोगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू द होल एंटायर फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ओवर टू एल चलो केयरफुली बच्चा थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करना तो x इज इक्वल टू बच्चा माइनस भी सारे चीजें पॉजिटिव देकर बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने माइनस तो. b मतलब माइनस थर्टीन हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमें अंडर रूट ऑफ नाइन दे देगा डायरेक्टली बिकॉज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने नाइन मिला डिवाइडेड बाय टू इंटू ए होगा बच्चा टू इंटू फाइव अच्छा यहां पे थोड़ा सॉल्वेबल है ये तो क्यों ना जरा सॉल्व किया जाए माइनस थर्टीन प्लस और माइनस रूट नाइन मतलब थ्री होता है बच्चा डिवाइडेड बाय होता है अब अगर ये सॉल्वेबल हो चुका है सब कुछ सॉल्व हो चुका है तो क्यों ना अभी इसको स्प्लिट किया जाए चलो एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टीन प्लस थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय टेन और एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टीन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टेन तो यहां पे बच्चों पहली बात तो माइनस थर्टीन प्लस थ्री करोगे तो आपको मिलेगा माइनस टेन डिवाइडेड बाई टेन और एक्स का वैल्यू यहां पे माइनस थर्टीन माइनस थ्री रहेगा तो माइनस सिक्सटीन मिलेगा डिवाइडेड बाई टेन ऐसे ही छोड़ के आना सिंप्लीफाई किया जा सकता है माइनस टेन डिवाइडेड बाई टेन होता है माइनस वन एंड माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टेन दोनों भी टू के टेबल में जाते हैं तो टू एटार टू फाइव माइनस एट अपॉइन फाइव बनेगा इसके आगे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको एज इट इज रखना इज दट क्लियर बच्चों क्या आपको ये सेम टू सेम आंसर मिला बच्चा माइनस वन एंड माइनस एट अपॉन फाइव आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हा तो कॉन्ग्रेचुलेन गाइस आप लोगों ने फॉर्मूला मेथड सीख लिया है और अगर आपने कुछ गलती की है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों कि आपको आपकी गलती पता चल चुकी है आपने क्या किया है आप लोगों दोहराओगे नहीं राइट right ना गाई सिंपल टू अंडरस्टैंड चलो मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए बच्चा अब प्रैक्टिस से 2.4 का एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी है जो कि मेन क्वेश्चन थ्री का है अब सब टू मेन क्वेश्चन टू तो खत्म हो गया अब मेन क्वेश्चन थ्री का एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों कुछ ऐसा ही दिया है यहाँ पे अब ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज और डर जाते हैं घबरा जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखकर अरे ये क्या है आपको पता है बच्चे ये क्वेश्चन इज नथिंग बट द सेम टू सेम जो हम लोग ने पिछले वाले में किया है सिर्फ इस क्वेश्चन में रूट है जरा ध्यान से देखो बच्चो आपको मैं आराम से विस्तार से सिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्सक्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो फॉर्मूला तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा चलो वो फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखो बच्चा फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या बोला है करने को कंपेयर करो इक्वेशन को विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ए बी सी का वैल्यू निकालो कुछ नया बोला क्या ये तो हम लोग पहले भी करते आ रहे थे वही कर रहे हैं. चलो वही कर लेते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू जीरो का वैल्यू बन जाएगा वन आपका b का वैल्यू बन जाएगा टू रूट थ्री है ना बच्चों टू रूट थ्री एंड आपका c का वैल्यू बन जाएगा थ्री चलो मेरा पहला फ्लो चार्ट तो इधर ही खत्म हो गया अब एरो दूसरा फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं फाइंड द एरोनस फोर ए सी कुछ नया बोला अरे फ्लो चार्ट नहीं होता तो भी वही करते हैं ना चलो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते बच्चा बी स्क्वायर यहाँ जरा ध्यान से आ बी का स्क्वायर बोल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे टू रूट थ्री का स्क्वायर लिखते हैं तो सही बोला ना नहीं टू रूट थ्री का स्क्वायर नहीं बच्चा टू रूट थ्री द होल डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अब का स्क्वायर निकाल रहे हो मतलब टू और रूट थ्री दोनों का भी स्क्वायर होना चाहिए ना सिर्फ रूट थ्री का तो नहीं होगा तो टू रूट थ्री द होल स्क्वायर लिखो माइनस फोर ए सी तो फोर इंटू वन इंटू थ्री बनेगा अच्छा चलो ठीक है यहां पे ना मैंने होल ब्रैकेट डाला अभी आपको समझेगा इसका मीनिंग क्या है बच्चों सर्ड्स में भी आपने सीखा जब टू रूट थ्री का दोनों का भी स्क्वायर होता है ना तो टू का भी स्क्वायर बनेगा रूट थ्री का भी स्क्वायर बनेगा बच्चों टू का स्क्वायर होता है फोर माइंड में रखो टू का स्क्वायर होता है फोर एंड रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री तो फोर और थ्री मिला आपको उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टू का स्क्वायर होता है फोर रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री फोर थ्री दर आपको मिल जाएगा ट्वेल्व समझा बच्चा अभी पता चला वो ब्रैकेट क्यों इंपॉर्टेंट है माइनस फोर इंटू वन ंग्रेचुलर माइनस फोर एसी का वैल्यू पहली बार आपको यहाँ पे जीरो मिलता हुआ दिख रहा है राइट right ना गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सी का वैल्यू जीरो मिला मैंने उसको बाहर डाल दिया वहां पे पीछे डाल दिया अब आपको याद रखना बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू जीरो था चलो हमारा सेकेंड जो फ्लो चार्ट था वो खत्म हो गया अभी थर्ड में मुड़ते हैं राइट द फॉर्म्यूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लिख लिया x हो हो गया मेरा हो गया मेरा तीसरा भी खत्म अभी चौथे में मुड़ते हैं substitute the values of ABC, जो कि फॉर्मूला है उसमें abc का वैल्यू सब्सिट्यूट करो एंड रूट्स निकालो तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये क्वेश्चन में दम था ये तो सेम टू ना ये फ्लो चार्ट लिखने उल्टा ये फ्लो चार्ट लिखने से उन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोगों को क्या क्या करना है उन्होंने खुद बना के दिया कितना इजी था चलो सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों आपको शायद याद रहेगा कि आपका बी का वैल्यू टू रूट थ्री था अगर नहीं याद रहेगा तो पीछे देख सकते हो नहीं तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही है तो टू रूट थ्री है बट माइनस बी चाहिए तो माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बच्चों बी माइनस फोर ए सी का याद है बच्चों ना एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री एज इट इज यहां पे ना बच्चों तो okay, मैंने प्लस और माइनस एज इट इज रखा सबसे पहले मुझे बात बताओ बच्चों रूट ऑफ जीरोना होता है स्क्वायर रूट ऑफ जीरो है ना बच्चा तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख लिया डिवाइडेड बाई टू वन जै टू अच्छा काफी सारे बच्चे क्या करते हैं मैं इस 0 है जीरो तो जीरो पे है ना इग्नोर कर देते हैं मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं बच्चा यहां पे इग्नोर मत करना देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट क्यों इग्नोर नहीं करना है मैं उसका आंसर बताता हूं बच्चों क्यों देखो थोड़ा दिखने में सिली लगेगा बट फिर भी इंपॉर्टेंट है एक्स इज इक्वल टू बच्चा माइनस टू रूट थ्री प्लस और माइनस है ना तो आइदर इट विल बी प्लस जीरो अपॉइट टू और x इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री माइनस जीरो अपॉइंट टू आपको पता चला बच्चा मैंने ऐसा क्यों किया मैं तो पहले ही जीरो को अवॉइड कर सकता था इग्नोर कर सकता था बट आपको नहीं लगता बच्चा अगर मैंने पहले उसको अवॉइड किया होता तो मुझे ऐसे दो अलग अलग पार्ट में लिखने को नहीं जमता एंड इक्वेशन में तो दो दो अलग अलग आंसर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट ना गाइज इसलिए मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं क्लियर है बच्चा चलो यहां पे ना बच्चा एवरीवन नोस कि ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा माइनस टू रूट थ्री प्लस जीरो है सबको पता है बच्चा माइनस टू रूट थ्री प्लस जीरो माइनस टू रूट थ्री होता है जीरो का कोई वैल्यू नहीं और अगर आप लोग देखोगे बच्चा तो ऊपर टू है एंड नीचे भी टू है तो टू टू विल गेट कैंसल्ड अगर ऊपर का टू एंड नीचे का टू कैंसल हो गया तो बचेगा क्या सिर्फ रूट थ्री नहीं साइन भी है क्या हाँ, माइनस रूट थ्री यहाँ पे माइनस रूट थ्री बचेगा सिर्फ और एक्स इज इक्वल टू अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चा माइनस टू रूट थ्री माइनस जीरो तो माइनस टू रूट थ्री होगा जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड इधर भी आपको क्या मिला फिर से

क्वेश्चन ऑफ 2.4 पॉइंट फोर एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू पॉइंट फोर के खत्म हो चुके हैं वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फोर प्रैक्टिस सेट स्टिल नाउ बच्चो एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द मेथड टू सॉल्व द कॉड्राटिक इक्वेशन वॉज एंड एज सिंपल एज दैट बच्चो फैक्टराइजेशन and the सेकंड मेथड इज कॉल्डिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन लर्न अबाउट हैं बच्चा हम लोग ने सारे मेथड सीख लिए एंड इतना ईजी था राइट right ना गाइस बहुत ही ईजी मेथड टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों अभी बचा क्या है इस चैप्टर में तो हम लोग अभी रूट्स के बारे में पढ़ने वाले इन नेक्स्ट लेक्चर द नेचर ऑफ द रूट एंड स्टेट यून बच्चो एक रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स पहले इसको अच्छी तरह से समझे तब जाकर वो वीडियो हम लोग देखेंगे डायरेक्टली उसमें जंप मत माना बच्चो इट वॉज रियली नाइस टीचिंग यू ऑल मिलते नेक्स्ट सेशन में तब तक डू योरसेल्फ। अगर ये वीडियो को अब तक आपने लाइक like नहीं किया या फिर शेयर नहीं किया तो प्लीज जाकर करना बच्चों एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे बाय केयर ऑफ योर सेल्फ यू ऑल थैंक यू सो मच बाय